बाड़ीपुरे में। और आज हमारे साथ है प्रहार जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर प्रमोद मोतीराम सर। और आज सर से इस तालुक का विधानसभा इलेक्शन चालू है, इस तालुक से हम सर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे MGN समाचार के चैनल में। अभी आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आज आप किन मुद्दों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहे हो, आप ये इस तालुक से आम जनता को आपकी प्रतिक्रिया बताइए। आपका पहले सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और 107 मध्य विधानसभा में से मैं डॉक्टर प्रमोद दुथाड़े, ये परिवर्तन महाशक्ति प्रहार जनशक्ति का उम्मीदवार हूँ। आपको मालूम ही है कि सबसे जटिल जो समस्या हमारे मध्य विधानसभा में है वो पानी का प्रश्न है। ये पानी के वजह से जो हमारे 40 किलोमीटर दूर जो जायकवाड़ी डैम है, वहाँ जो 22 लाख ट्रिलियन लीटर पानी है, जो लाने के लिए हमारे जो लास्ट टाइम के जो विद्यमान आमदार है और लास्ट 25 साल से जो आमदार है, वो कोशिश करने के बावजूद भी वो हमारे पानी प्यास बुझा न सके। इसलिए हमारे जन सामान्य लोगों में एक आक्रोश है, और इसलिए हम प्रस्तावित जो पक्ष है उनके विरुद्ध मुझे एक उनका उम्मीदवार बोल के खड़ा किया है। जो पानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षण का मुद्दा है, और क्षेत्र मजदूर और क्षेत्र माल का भाव कम होने की वजह से ये मुद्दे लेके हम हमारे जनता में आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमको यह हमारी जनता है जो हमको सपोर्ट करके विधानसभा में भेज के हम उनकी पूरी जो परेशानी है दूर करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। सर, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है 2014 से आज 2024 तक MIM पार्टी का काफी वर्चस्व रहा है औरंगाबाद सिटी के अंदर, और जबकि ये भी अमूमन देखने में आता है कि डेवलपमेंट जीरो रहा है औरंगाबाद सिटी के अंदर, तो आप इसका दोष किसको देते हो सर? नहीं, जो हमारे MIM के जो उम्मीदवार थे और हमारे विद्यमान जो आमदार थे जनाब इम्तियाज साहब ने, वो भी उन्होंने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। उन्होंने भी ज़्यादा कोशिश करने की वजह से हमारे औरंगाबाद में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, और पानी का भी समस्या उन्होंने छोड़ नहीं सके। इसलिए यहाँ की आम जनता उनके विरुद्ध भी बहुत नाराज है। अभी आप औरंगाबाद शहर की आम जनता से क्या अपील करना चाहते हो? मैं आप हमारे मतदार राजा से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल हमको एक मौका दीजिए, और आपने हम मौका दीजिए और हम वो कोशिश करेंगे जो अपने एरिया जो समस्या ग्रस्त है उनकी पूरी सॉल्व करने के हम जी जान से कोशिश करेंगे। अगर हम ये कर नहीं सके तो हम ये राजकारण छोड़ेंगे, और आप जो हमको सजा देंगे हम वो सजा पाने के लिए खुद को आपके सामने अर्पण करेंगे। आपका पूरा परिचय निशानी दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर प्रमोद मोतीराम दुथड़े हूँ। मेरी निशानी बैट है, अनुक्रम 8 नंबर पे मशीन पे मेरा 8 नंबर है। मैं सब जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 8 नंबर बटन दबा के हमको प्रचंड बहुमत से चुन के दिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के साथ? सर, जो है एक समाज सेवा के लिए बहुत सर कोशिश करते हैं हर वक्त, तो ऐसा लगता है कि सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए सर को, और उनको ये जो आमदार की जो जगह है वो मिलना चाहिए। सुमेर सर, आपका पूरा परिचय बताइए। शेख सुमेर शेख अनवर, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज प्रहार जनशक्ति पक्ष। सर, आपका काम काफ़ी बोलता है, और आप कभी औरंगाबाद शहर में चर्चित भी है। आपने घाटी के अंदर भी काफ़ी गरीब जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हर रोज़ आप 2000 पेशेंट्स के लिए खाना भी बांटते हो फ्री के अंदर, और आप हर कार्य करते हो। सर, आपने अभी तक आपके पॉलिटिक्स के करियर में अभी तक आपने आम जनता के इतने क्या क्या कार्य किया है, आप औरंगाबाद शहर की आम जनता को बताइए। देखिए, कार्य करने के लिए अभी तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है, रैली आगे बढ़ाना है। तो हम सीधी सीधी बात कहते हैं, घाटी में 2000 लोगों को जब खाना जाता है तो घाटी में कौन कौन से समाज के लोग आगे रहते हैं? कौन से समाज रहते हैं घाटी में? हर समाज रहते हैं ना। तो हम भी यही बताना चाह रहे हैं, 5 साल के लिए हरा नीला भगवा छोड़ दो और सेवे का झंडा आगे ले लो। 5 साल के लिए सेवे का झंडा आगे ले लो, और फिर देखो सियासत कहाँ जाती है। धर्म की राजनीति नहीं करना है हमको, आरती और अजान से मिलाकर हिंदुस्तान को बनाना है। शुक्रिया। सर, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि अभी 10 साल से जो MIM का जो कार्यकाल रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि MIM आने की वजह से औरंगाबाद की आम जनता का विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अब उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जनता को अब सही समझ है,
तो वो इस बार झंडे का तिरंगा हाथ में लीजिए और बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। और आपने अभी डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है, आपकी पार्टी भी उनके साथ है और आप भी उनके साथ हो, तो अभी आप डॉक्टर साहब के लिए क्या आगे इस इलेक्शन में चलते हुए क्या कार्य करने वाले हो डॉक्टर साहब के लिए? देखिए अभी तो सबसे पहले पानी का मसला है, पूरे ग्रीन बेल्ट में जो है तो पानी 8 दिन 10 दिन में एक बार आता, तो हम कोशिश करेंगे 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में डेली जो स्लम एरियाज है उनमें पानी आ सके। उसके बाद में एजुकेशन का मसला अपने पास बहुत पीछे है, दलित समाज मुस्लिम समाज इनका एजुकेशन स्कूल्स बराबर नहीं है, तो देखिए जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके अलावा और भी समस्या है औरंगाबाद सिटी के अंदर, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए अब आप चुन के तो दीजिए फिर बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है। एक आखिरी सवाल सर, अभी औरंगाबाद के आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? बटन नंबर 8 निशानी बैठ, तस्वीर आमदार बच्चू भाऊ करू। तो आज आपने देखा हमने यहाँ पे डॉक्टर साहब से ही बात की और सुमेर साहब से ही बात की है और इन्होंने इतनी अपील की है, प्रहार जनशक्ति पार्टी के जो डॉक्टर साहब है इन्हें भारी बहुमत से औरंगाबाद की आम शहर की जनता ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीता के। बटन नंबर आड़े आदरे को